हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिर से करने वाले हैं बाप का माल स्नैक्स की अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है बाप का माल, और गाइस काफी अमेजिंग गिफ्ट्स इसके ऊपर छपे हुए हैं। और गाइस ये 9x कंपनी की तरफ से आता है, ₹5 इसका प्राइस है। गाइस इसके अंदर 5-स्टार चॉकलेट निकल सकती है, ₹10 का, ₹20 का, ₹5 का कॉइन निकल सकता है, कार्स निकल सकती हैं, क्रिकेट बैट निकल सकता है, फुटबॉल निकल सकती है, और ये सारे नोट यानी कि बहुत सारे पैसे भी इसके अंदर निकल सकते हैं। यहाँ पर रैकेट छपा हुआ है, और अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो बहुत सारे गिफ्ट यहाँ पर भी छपे हुए हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट्स निकलते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए टोटल 8 पैकेट लेके आ गया हूँ, और आज हम इन 8 पैकेट्स की करेंगे अनबॉक्सिंग। और सबसे खास बात, इन 8 पैकेट्स में जो भी चीज़ें निकलेंगी उन सभी का गिव अवे किया जाएगा। तो आपको सिंपली करना है कि अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए गाइस पहला पैकेट अपना कट कर लेते हैं, टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। ये गाइस मैंने पहला पैकेट काट लिया, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। और गाइस इसके अंदर एक चीज़ निकली है बहुत ही अमेजिंग सी, पहले मैं आपको कूपन दिखा देता हूँ। एक निकला है कूपन जो कि ₹1 का कूपन है, जब मैं इसे दुकानदार को दूंगा तो मुझे ₹1 मिलेगा, वाह यार। और जो दूसरी चीज़ निकली है वो है गाइस ये OMG गाइस, इसके अंदर निकली है बहुत ही अमेजिंग कार। ये देखिए आप, इसका डिज़ाइन देखिए, वाह यार बहुत ही अमेजिंग कार निकली है। यहाँ पर टैक्सी लिखा हुआ है, मतलब ये टैक्सी कार है। और इसके टायर देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इसके टायर हैं, ये देखिए वाह। और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, वेट भी इसका बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये देखिए गाइस आप चारों तरफ से देखिए, वाह सुपर कार जैसा इसका डिज़ाइन है, वाह यार बहुत ही अमेजिंग लग रही है देखने में। अगर आपको ये कार पसंद आई तो कमेंट पे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये नॉर्मल कार जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये दिख रही है। ये देखिए गाइस, है ना, वाह यार। अगर आपको कार पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसे रखते हैं साइड में, नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। और गाइस उम्मीद करता हूँ अमेजिंग गिफ्ट निकले, तभी बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा। ये मैंने दूसरा पैकेट कर लिया है कट, और इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। और गाइस इसके अंदर तो काफ़ी कुछ ही निकल गया है, वाओ। एक निकला है ये क्या है गाइस, पता नहीं, इसको देखते हैं कम्प्लीटली। एक निकला है ये, और एक निकला है ये, वाओ। यानी कि गाइस हमारा बे ब्लेड निकला है, OMG। और एक निकला है साथ में बलून का पैकेट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बलून का पैकेट निकला है, इसको रखते हैं साइड में। और गाइस हमारा एक बे ब्लेड निकल गया है साथ में, वाओ। और गाइस इसको इसके अंदर सेट करना पड़ेगा आई थिंक, शायद ना ये इसका लॉन्चर है, इसको सेट करना पड़ेगा। इसको सेट कर लेते हैं गाइस, एक सेकंड का वेट कीजिए। गाइस मैंने इसे लगाने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इसको कुछ इस तरह से इसके अंदर सेट करना है, तभी बेब्लेड को ये चलाएगा। ये देखिए गाइस, तभी ये लॉन्चर तैयार हो पाएगा। और गाइस आई थिंक ये रेडी हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाइस सेट हो गया है, देखिए कुछ इस तरह का ये लॉन्चर बन गया, और कुछ इस तरह से बेब्लेड को चलाएगा। लेकिन गाइस मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि इसको चलाने के लिए जो वायर होती है जो बेब्लेड को चलाती है यहाँ से लग के, वो कहाँ है गाइस? वो मुझे लगता है इस पैकेट के अंदर ही है। ये देखिए गाइस पैकेट के अंदर ही फंसी हुई है, वाह। ये देखिए गाइस इसकी वायर भी निकल गई है। अब मैं आपको इसे चलाकर दिखाता हूँ, है ना। पहले हम इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लेते हैं। ये देखिए गाइस आई थिंक ये इसी तरह से लगेगी, क्योंकि मैंने बेब्लेड को चलाया और मुझे पता है कि बेब्लेड किस तरह से यूज़ किया जाता है। काफ़ी अमेजिंग टाइप के बेब्लेड मैं यूज़ किया करता था। और गाइस ये अच्छी तरीके से सेट हो गया, ये देखिए गाइस कुछ इस तरह से ये सेट हो गया। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है ये गाइस। ये देखिए इसका लॉन्चर है, यहाँ से इसमें बेब्लेड लगेगा, ये देखिए। और ये इसको खींचने के लिए यानी कि बेब्लेड को चलाने के लिए वायर है। यहाँ पर स्पेस कर लेते हैं और यहाँ पर बेब्लेड को चला के देखते हैं। ये देखिए गाइस, वाह गाइस बहुत ज़्यादा स्पीड में मैं इसे नहीं चला पाया हूँ, लेकिन जितनी भी स्पीड में चल रहा है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। मैं आपको दोबारा से चला के दिखाता हूँ, आप एक सेकंड का वेट कीजिए। गाइस मैंने इसे दोबारा से सेट कर लिया और इसे दोबारा से चलाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर चलाते हैं गाइस। और गाइस मैं इसे अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि स्पेस की बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ रही है और यहाँ पर स्पेस कम है। लेकिन गाइस अगर आप इसे देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बेब्लेड निकला है। ये देखिए आप इसका कंप्लीट डिज़ाइन देख लीजिए, मैं इसको बाद में चलाऊंगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। ये देखिए गाइस ये टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप इसके डिज़ाइन को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है और नीचे से ये ऐसा दिखाई देता है, और इसके लॉन्चर को अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, वाह यार बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और आप इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसको इसके अंदर लगाया जाता है। ये देखिए गाइस मैं आपको कम्प्लीटली दिखा देता हूँ। और गाइस बेब्लेड कुछ इस तरह से रेडी हो जाता है। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग हमारा बेब्लेड निकल गया है, बहुत ही अमेजिंग, वो भी लॉन्चर के साथ। तो गाइस इसको रख लेते हैं साइड में और अपना नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। वाह यार मज़ा आ गया, बहुत ही अमेजिंग हमारा गिफ्ट निकल गया है, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं।
और गाइस इसके अंदर तो काफी ही कुछ निकल गया है। क्या क्या निकला है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक निकला है कूपन जिसपे लिखा हुआ है ₹1, यानी कि गाइस ₹1 हमें मिलने वाला है। वाह यार, इसको रख लेते हैं साइड में। और एक निकला है हमारा बलून का पैकेट, जैसा कि आप देख सकते हैं पहले भी बलून का पैकेट निकला था। और गाइस निकला है ये क्या है हम देख लेते हैं, बहुत ही अमेजिंग सा कुछ ये लग रहा है। और गाइस इसके ऊपर लिखा हुआ है बेन 10 एलियन फोर्स। वाह यार, बेन 10 एलियन फोर्स इसके ऊपर लिखा हुआ है। और गाइस कुछ इस तरह के दो ये हैं स्केटबोर्ड, आई थिंक इसको कहते हैं, है ना। और एक ये है, ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक बटन बना हुआ है, इसको दबाने से कुछ हो रहा है गाइस। और गाइस ये निकले हैं, और एक निकला है ये क्या है मुझे नहीं पता है, शायद ये यहाँ पर लगेगा। ये देखिए ये क्या है, इसको लगा लेते हैं पहले इसके ऊपर अच्छे तरीके से। ये देखिए गाइस मैंने इसको सेट कर लिया है। वाओ गाइस सेट हो गया ये देखिए गाइस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है इसके ऊपर सेट होने के बाद। जो स्केटबोर्ड है उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। वाओ यार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, लेकिन किस तरह से चलेंगे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये इसका लॉन्चर होगा, इसको चलाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं रख लेता हूँ नीचे, इस वाले को चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दो स्केटबोर्ड निकले हैं। ये कैसे लगेगा इसके ऊपर मुझे समझ नहीं आ रहा है गाइस। ऐसे लगेगा आई थिंक ये ऐसे लगेगा, इसको लगा लेते हैं। और गाइज ये सेट हो गया, ये देखिए गाइज वाओ बेन 10 एलियन फोर्स हमारा लॉन्चर सेट हो गया। इसको चलाने की कोशिश करते हैं, गाइज चल नहीं रहा ये, इसको अच्छे से दोबारा से लगाता हूँ और दोबारा चलाने की कोशिश करते हैं। और गाइज मैंने इसे दोबारा से सेट कर लिया है और मैं आपको इसे चलाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइज वाओ बहुत ही स्पीड से चला है, OMG गाइज इसका लॉन्चर इसे बहुत ही तेजी से लॉन्च करता है कुछ इस तरीके से। ये देखिए गाइज वाओ, ये देखिए गाइस बहुत ही अमेजिंग तरीके से, बहुत ज्यादा फोर्सफुली, वाओ यार। और अगर आप इसे कम्प्लीटली देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है लॉन्चर पे लगने के बाद। ये देखिए गाइस बेन 10, ये पता नहीं क्या है बेन 10 का, कौन सा कैरेक्टर है जो कि कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये स्केटबोर्ड के ऊपर खड़ा है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, वाओ यार। और इस बटन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुश लिखा हुआ है। ये देखिए गाइस बहुत ही अमेजिंग सा हमारा बेन 10 स्केटबोर्ड निकल गया है, वो भी विद लॉन्चर, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो इसको रखते हैं साइड में और अपना नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। काफी सारे अमेजिंग गिफ्ट्स हमारे पास इकट्ठे हुए हैं। और गाइज ये मैंने पैकेट कट कर लिया, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। गाइज इसके अंदर कुछ भी नहीं निकला है, इसके अंदर निकला है सिर्फ एक बलून का पैकेट, इसको रख लेते हैं साइड में, नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। वाओ यार काफी अमेजिंग गिफ्ट्स हमारे पास कलेक्ट हो गए हैं। ये मैंने इसको कर लिया कट, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। और गाइज इसके अंदर निकली है दो चीजें, क्या निकला है, एक निकला है ₹1 का कूपन। वाओ यार दो तीन कूपन हमारे पास कलेक्ट हो गए हैं। और एक निकली है कार, OMG ये देखिए गाइज क्या कार निकली है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है हॉट व्हील्स मेल, OMG गाइज आप इसका डिजाइन देखो, वाओ यार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डिजाइन है, व्हाइट और ब्लू कलर की है ये। ये देखिए गाइज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है। उसके टायर्स देखिए आप, टायर्स बहुत ही ज्यादा कूल हैं, वाओ ये देखिए गाइज है ना, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है। और ये कुछ इस तरह से नहीं चलती है, पुश स्टार्ट वाली गाड़ी नहीं है, इसको ऐसे चलाना पड़ेगा क्योंकि इसके टायर में कोई भी फोर्स नहीं है। ये देखिए गाइज कुछ इस तरह से इसे चलाना पड़ेगा। और गाइज लेकिन इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ही जो कॉस्टली कार्स होती हैं उनका ऐसा डिजाइन होता है। वाओ यार इसको रख लेते हैं साइड में, नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। काफी सारे गिफ्ट हमारे पास कलेक्ट हो गए हैं, ये मैंने कर लिया है कट, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। और गाइज के अंदर भी दो चीजें निकली है, एक निकला है कूपन ₹1 का, वाओ यार बहुत सारे कूपन हमारे पास कलेक्ट हो गए हैं। और एक निकला है हमारे पास चश्मा, वाओ एक गोगल्स निकल गया है, बहुत ही क्यूट सा छोटा सा गोगल्स है छोटे बच्चों के लिए, वाओ यार है ना गाइज, इसको रख लेते हैं साइड में। और गाइज नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। ये गाइज मैंने इसको कर लिया है कट, इसको भी यहाँ पर डाल लेते हैं। और गाइज इसके अंदर निकली है एक चीज, क्या ये मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज, ये है स्वीट रेसिपी बुक, स्वीट रेसिपी बुक इसके दोनों साइड लिखा हुआ है। और बहुत सारी मिठाइयाँ यहाँ पर बनी हुई है, ये देखिए गाइज रसगुल्ले बने हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारी स्वीट्स बनी हुई है, पीछे भी ऐसा ही है। इसको खोल कर देख लेते हैं क्या ये, ओ गाइज OMG गाइज मेरे अंगूठे में बहुत ही तेज करंट लगा है यहाँ पर और यहाँ पर, जब मैंने इसे ओपन किया आई थिंक ये करंट वाली बुक है, वाओ गाइज। और यहाँ पर लिखा हुआ है मजा आया, OMG गाइज ये तो करंट वाली बुक निकली है, बहुत ही तेज मुझे करंट लगा है, पता नहीं इसकी सहायता से लगा। ये देखिए गाइज पता नहीं क्या है ये, जैसे करंट वाला पेन होता है ना, ओ गाइज बहुत ही तेजी से करंट लगा मुझे दोबारा से, बहुत ही ज्यादा मेरे पूरे अंगूठे में यहाँ तक करंट आया है, बहुत ही तेज, जैसे आपने पेन चलाया हुआ ना करंट वाला, कुछ इस तरह का करंट इसके अंदर से आ रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी मजा आया, गाइज मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं इसे दोबारा नहीं ओपन करने वाला हूँ, बहुत ही तेज करंट लगा है, बहुत ही ज्यादा तेज। और हमारी एक बुक निकल गई है जिसके अंदर से करंट निकलता है, वाह यार
शॉकिंग बुक हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि शॉकिंग पेन कहते हैं, जो पेन करंट मारता है उसको हम शॉकिंग पेन कहते हैं। तो इसीलिए इस बुक को हम शॉकिंग बुक कह सकते हैं, जो कि बहुत तेज करंट मार रही है। गाइज बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसको रखते हैं साइड में और नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं। और गाइज हमारा लास्ट पैकेट भी है, ये मैंने इसे कर लिया है कट, इसको यहाँ पर डाल लेते हैं। और गाइज के अंदर भी दो तीन चीज़ें निकली है, एक निकला है बलून का पैकेट, काफ़ी सारे बलून्स के पैकेट हमारे पास कलेक्ट हो गए हैं, इसको रखते हैं साइड में। और एक निकला है कूपन, जो कि है 1 रुपये का कूपन। वाह यार, फिर से हमारा कूपन निकल गया है, इसको रखते हैं साइड में। और एक निकला है ये क्या है गाइज, ये है कोकोनट पंच, लोटे कोकोनट पंच यहाँ पर लिखा हुआ है। और गाइज ये एक टॉफी है, यहाँ पर लिखा है द रिच कोकोनट टॉफी। गाइज ये हमारी टॉफी निकल गई है, ये देखिए गाइज बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, कोकोनट की टॉफी है। वाह यार, कोकोनट पंच टॉफी। और गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं सारे पैकेट हमारे ओपन हो गए हैं, बहुत सारे गिफ्ट हमारे पास कलेक्ट हो गए। मैं आपको काउंट करा देता हूँ, टोटल हमारी निकली हैं 2 कार्स, ये देखिए गाइज, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डिज़ाइन की हैं, बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। दोनों का डिज़ाइन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वाओ यार, इसका डिज़ाइन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपको किस कार का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप दोनों के टायर्स देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। व्हाइट कार के टायर कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है, ये देखिए गाइज, क्योंकि इसका डिज़ाइन सुपर कार जैसा है। वाओ। और गाइज को रखते हैं साइड में। एक निकला हमारा बेन 10 का स्केटबोर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसके ऊपर बेन 10 का कोई करेक्टर भी है, एक यहाँ पर खड़ा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये है इसका लॉन्चर, और गाइज ये कुछ इस तरह से चलता है, ये देखिए गाइज। वाओ, बहुत ही अमेजिंग लॉन्चर निकल गया और स्केटबोर्ड निकल गया। वाओ यार, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये। अगर आपको बेन 10 देखना पसंद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइज एक निकली है हमारी करंट वाली बुक, जिसके अंदर से करंट लग रहा है मुझे अंगूठे में, यहाँ पे बहुत तेज करंट लगा। और गाइज बहुत सारे बलून्स के पैकेट निकले हैं, 1, 2, 3, 4 बलून्स के पैकेट निकले हैं, और काफ़ी सारे कूपन्स भी निकले हैं। इसके साथ निकला है एक चश्मा, वाह यार क्यूट सा चश्मा निकला, इसको रखते हैं साइड में। काफ़ी सारे कूपन हमारे निकल गए हैं, मैं आपको कूपन्स दिखा देता हूँ। टोटल हमारे 5 कूपन निकले हैं, जिनमें से हमें 5 रुपये मिलने वाले हैं। वाह यार, 5 रुपये के हमारे कूपन निकल गए हैं। और एक निकली है टॉफी, ये आपने देखी ली, कोकोनट पंच टॉफी इसका नाम है। और गाइज एक निकला है हमारा बेब्लेड का सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है देखने में। ये देखिए गाइज, ये इसका कंप्लीट लॉन्चर है, जिसको इस तरह से पकड़ेंगे, आई थिंक इस वाले हैंड से कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और बेब्लेड को इसमें यहाँ पे सेट करेंगे। मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइज कुछ इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से खींचेंगे तब ये चलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। ये देखिए गाइज, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और गाइज अगर आप इन सभी गिफ्ट्स को गिव अवे में पाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली करना है कि आपको अपना नाम, अपनी सिटी का नाम कमेंट में लिखना है, और इन सभी गिफ्ट्स का नाम भी आपको कमेंट में लिखना है, तभी आप गिव अवे के विनर बन पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में अमेजिंग अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।